दौसा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा को लेकर भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहां प्रत्याशी के नाम पर लगातार पेच फंसा हुआ है। वहीं विवाद को सुलझाने के लिए लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने विधायक ओम प्रकाश हुडला और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से एक साथ मुलाकात की कोशिश भी की, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने एक साथ चर्चा पर एतराज जताया है, जिसके चलते दोनों नेताओं से अलग अलग मुलाकात कर जावड़ेकर ने विवाद खत्म करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि भाजपा ओम प्रकाश हुडला को दौसा से चुनाव लड़वाना चाहती है, जबकि किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी पत्नी गोलमा देवी के लिए टिकट की मांग की है। वहीं जावड़ेकर से मुलाकात के बाद हुडला ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की है और इस दौरान हुडला ने कहा कि उनका किरोड़ीलाल मीणा से कोई भी विवाद नहीं है और लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने कहा कि दौसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की व्यस्तता के चलते नहीं हो पाई है और जल्द दौसा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। माननीय जावड़ेकर साहब के यहाँ से संदेश मिला था कि हमें वहाँ पहुँचना है और हमें जानकारी मिली, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को भी उन्होंने बुलाया है। जावड़ेकर साहब का दोनों को एक साथ बिठा करके बात करके पार्टी हित में काम करने की इच्छा थी। मेरी भी इच्छा थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जो मेरे बड़े भाई हैं वो और हम दोनों एक साथ बैठें, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया और शायद हम अलग अलग ही हमारी मुलाकात हुई। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से कोई व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है। चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। मैंने दो बार चुनाव लड़ा उनके खिलाफ, दो बार जनता की जीत हुई, यहाँ कोई ओम प्रकाश हुडला की जीत नहीं है। मैं इसे आम जनता की जीत मानता हूँ, जनता के किए हुए कार्यों की जीत मानता हूँ। सर्व समाज जो दौसा का है पिछले 30 साल से पीड़ा उठा रहा था, जो एक गुंडा राज चल रहा था उसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन जिम्मेदार नहीं है ये जनता ने तय किया और तय करने के बाद आज आपके सामने परिणाम है, आम जनता देख रही है। हमारे जितने नामांकन भरने थे वो सब के नामांकन हमारे भरे गए और जो संख्या आई है नामांकन के समय, दो तरह की व्यवस्था हुई। कई लोगों ने जरा 5-7 लोगों ने जाकर नामांकन किया, कई उन्हें पहले सभा की, कई उन्हें बाद में की, कई उन्हें कार्यालय खोलने के अवसर पर की, ऐसे सब की बड़ी सभाएं हुई हैं। उन सभाओं को देख कर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनता में बहुत करेज है और मैं बाड़मेर वगैरह उधर जाकर आ रहा हूँ जालौर, तो वहाँ जो गांव का आदमी है उसकी जो संख्या है वो बहुत अच्छी संख्या है और इसमें जो नौजवान हैं उनकी संख्या और भी ज़्यादा है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया चलते चलते, तो लोगों ने कहा हम तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि मोदी जी उम्मीदवार हैं कि नहीं हैं, लेकिन मोदी जी को वोट दे रहे हैं। ऐसे वायुमंडल भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि हम सभी 24 सीट और हमारे अलायंस की सीट 25 सीटें हम जीते।